हम वनवासी नहीं है, हम जनतावासी है। बिहार में तो आ रहा ही का एग्जांपल देख लीजिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। आर के सिंह जो है वो हारे क्यों जब वो विकास कर रहे थे? आखिर चुनाव में विधानसभा आपका देखा जाए जगदीशपुर विधानसभा 20,000 से ज्यादा वोट से आर के सिंह हारते हैं, आखिर इसका कारण क्या? आप तो पूरा कैंपेन भी कर रहे थे, आपने कहा था कि वोट बैंक मेरा पकड़ है, लेकिन आखिर ये क्या हो गया? क्या कर रहे लोग हमें यार, डिप्टी मेयर क्या कर रहे हैं लोग? पैसा तो जाता है नगर निगम स्वतंत्र इकाई है, आप भी जांच बैठा सकते हैं, आप तो एमएलसी बन गए। करेंगे यार, हम तो जमे दो तीन दिन होबे किया है, छोड़िएगा नहीं। अब छोड़ेंगे कैसे? कितना अफसर जाएंगे, कितना अफसर भीतर जाएंगे, कितना अफसर बाहर जाएंगे, देखिए ना। अभी चोरी करेंगे छोड़ेंगे? चोर पकड़ने वाला सबसे बड़ा इंस्पेक्टर हम ही है। नगर निगम में भी पकड़ेगा चोर? सबका पकड़ेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ कहाँ नहीं लगे लगे, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। ये आर के सिंह जी के हम लोग के नेता है, भाजपा के कैंडिडेट है, उनको समीक्षा करना चाहिए, उनके अध्यक्ष को समीक्षा करना चाहिए कि आप कैसे हार गए। बीजेपी में अंदर में गुटबाजी हुई है, लगता है आपको बीजेपी में अंदर में गुटबाजी हुई थी, उसकी कारण जनता दल यूनाइटेड के वोट को समेटने की कोशिश की है, उसमें हम 80% सफल रहे। अब भाजपा के लोग कहाँ लगे थे, वो लोग अपना हिसाब दे देंगे। कैसे रोड की स्थिति है? जर्जर स्थिति है आरा की, खासकर टाउन में भी स्थिति खराब है, बरसात आता नहीं है, रोड पे पानी है कि पानी में रोड है पता ही नहीं चलता है। मतलब लाइट की स्थिति, गर्मी में भयंकर गर्मी, और लाइट जो है 6-6 घंटा 8-8 घंटा, मोटर में पानी नहीं रह रहा है, गर्मी में पसीना बह रहा है, तो आरा की स्थिति इतनी नरकीय क्यों हो रही है? और सुधार कीजिएगा, आप पे जनता भरोसा करे। तो लोग दिन में तारा देख रहे हैं, तो वो लोग रात में भी तारा देखेगा ना? तो देखने दीजिए, देखने दीजिए, मतलब हाँ देखे लोग। आर के सिंह से बढ़िया नु सुगर प्रत्याशी लोग जिताए हैं, दिल्ली गए हैं, बटाईदारी के सवाल पर बोलते हैं, आरा में रोड खराब है इस पर बोले हैं, नगर निगम में पैसे का भाव नहीं है, पैसे हैं लेकिन क्या हो रहा है इस पर न बोलना चाहिए। तो ये कह रहे कि बटाईदारी पर लड़ेंगे। सारा इंडिया का मुद्दा उठाया है, जो कि गरीबों का पैसा फंसा हुआ था, विधानसभा का सीट जो है वो खाली हो गया जगदीशपुर आपके विधान परिषद बनने से, तो अब कौन लड़ेगा? कुछ कोई लड़ेगा फिर? बिहार के अभी हमारा में है, और आप सभी का आशा एक भारत में स्वागत है। और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं बिहार विधान परिषद के MLC साहब, पूर्व में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री यानी कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा। कुशवाहा राजनीति जो है वो बिहार में खूब चर्चाओं का विषय बन रही है, जहाँ RJD जो है लोकसभा में कुशवाहाओं का भंडार इकट्ठा करके चुनाव लड़वाती है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुनाव खत्म होते ही शाहबाद की सीटें जिस तरीके से NDA गवाई, और जिस तरीके से आरा में पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री हारे, तो फिर से इस बार भगवान सिंह कुशवाहा को MLC का पद दिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, और विधानसभा को देखते हुए इस बार कुशवाहा वोट बैंक पे आखिर किसका कब्जा होगा। सबसे पहले स्वागत है सर हमारा। चलिए आपको भी स्वागत, आपके चैनल के जितने लोग देख रहे हैं सबको स्वागत मेरे। सर सवाल ये है कि आपको एक बैक जो है, कहा बहुत सारे पत्रकारों ने कहा भी कि वनवास जो है 14 साल का मिला आपको, उसके बाद जो है आप आए, लेकिन आप जो है लोगों के बीच में हमेशा रहते थे, और हमसे तो हमेशा बात होती थी आपकी। वनवास कभी नहीं हुआ था जी, हम वनवासी नहीं है, हम जनतावासी है, जनता के बीच रहते हैं। लोकसभा के बीच रहने वाला आदमी का वनवास होता है, हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि कब पूर्व हो गए कब वर्तमान हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आई जो आप बोल रहे हैं कि कुशवाहा राजनीति, हम खाली कुशवाहा की राजनीति करते हैं। कुशवाहा का बड़ा चेहरा कहता है लोग आपको, गरीब गुरबों का हम राजनीति करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, अगड़ी जाति के गरीब परिवार के उसका सदस्य हैं हम। हम उसका राजनीतिक मित्र नहीं है, वैचारिक मित्र है, दोस्त है, और उसकी हर समस्या को हल करने की दिशा में सकारात्मक पहल करते हैं। हमारे पास न कोई जात है, न कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड है। बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने वाले लोग ये हैं RJD और माले के लोग, ये लोग ही आग लगाते हैं, आग से जो चिंगारिया पैदा होता है उस पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हम लोग राजनीतिक रोटी सेकने वाले नहीं हैं, हम लोग लोहिया और नीतीश कुमार जी के हम लोग अनुयायी हैं, और नीतीश कुमार
का जीवन में नीतीश कुमार के कार्यक्रम में सबके साथ सबका न्याय सबका विकास उनका नारा है। सब लोग हम लोग साथ रहते हैं भाई, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड के बात नहीं है। और कोई कुशवाहा तो कुशवाहा राजनीति कब हंसिया पर खड़ा था, कब वो था आज भी है। लालू यादव ने औरंगाबाद कहा जाता था चित्तौड़गढ़, और वहाँ पे जो है अभय कुशवाहा जीत जाते हैं, वहाँ पे सदन में जो है मीसा भारती को ना भेज के अभय कुशवाहा को जो है आगे खड़ा कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है MLC आपको बना देते। तो ये सवाल है, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा। सवाल है, हम कुशवाहा के लिए MLC बने हैं? कुशवाहा जात के हो सकते हैं, हमारी जात की संस्कृति नहीं है राजनीतिक संस्कृति, हम के लिए काम करते हैं। बिहार में तो आरा ही का एग्जाम्पल देख लीजिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। आर के सिंह जो है वो हारे क्यों जब वो विकास कर रहे हैं? बैकवर्ड फॉरवर्ड के किया, जो विकास के दुश्मन है, तो दोनों विकास के दुश्मन जो शक्ति है, माले है, कांग्रेस है, RJD है, तो इस सबकी गोलबंदी हुई थी। ये लोग के पास तो दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, ये कौन तेजस्वी जी किस मुद्दा पर भाषण देंगे कि हमारे बाबूजी ने गरीबी दूर कर दिया था, गरीबों को घर बना दिए थे, गरीबों को काम कर दिए थे, सब गांव को सड़कों से जोड़ दिए थे, हर गांव में बिजली लगा दिए थे। तो एक ही उनके पास मुद्दा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की आग में जनता को झोंक दीजिए। जो विकास के विरोधी लोग हैं जनता, जो विकास के विरोधी लोग हैं, वो लोग आर के सिंह को वोट नहीं दिया। आखिर चुनाव में विधानसभा आपका देखा जाए जगदीशपुर विधानसभा 20,000 से ज़्यादा वोट से आर के सिंह हारते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? आप तो पूरा कैंपेन भी कर रहे थे, आपने कहा था कि वोट बैंक मेरा पकड़ है, लेकिन आखिर ये क्या हो गया? 60,000 वोट आया ना, तो ये 20,000 का मार्जिन था, 60,000 वोट कहाँ से आ गया? वोटवा दिया ना हम लोग, वो लोग क्या किए थे बताइए, हम ये समीकरण जानना चाहते हैं, वहाँ आखिर हुआ क्या? अरे समीकरण समीक्षा करेगा बीजेपी ना, बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ कहाँ नहीं लगे लगे उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। ये आरके सिंह जी के हम लोग के नेता है, भाजपा के कैंडिडेट है, उनको समीक्षा करना चाहिए, उनके अध्यक्ष को समीक्षा करना चाहिए कि आप कैसे हार गए। हम तो बढ़हरों में हार गए, बढ़हरा में भी हारा गया है, सिर्फ एक हारा जीती है बीजेपी। हारा में कौन जीता, कितना वोट से जीते आप? 8,000 समथिंग कोई वोट है, हमने शाहपुर हारा है, हार गए तो वही न कह रहे हैं, हार की समीक्षा न करना चाहिए, कौन लोग निष्क्रिय रहा, कौन लोग सक्रिय रहा। बीजेपी में अंदर में गुटबाजी हुई है, लगता है आपको बीजेपी में अंदर में गुटबाजी हुई थी, उसके हार उसकी कारण आएंगे बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी के नेता लोग NDA गठबंधन में हम लोग हैं, तो मैं समझता हूँ जितना हम अपने पर्सनल बोल रहे हैं, जितना मैंने मेहनत किया है, जनता दल यूनाइटेड के वोट को समेटने की कोशिश की है, उसमें हम 80% सफल रहे हैं। अब भाजपा के लोग कहाँ लगे थे, वो लोग अपना हिसाब दे देंगे। बिहार का एक आरा का सवाल है, आरा के लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप भोजपुर से आते भी हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से रोड की स्थिति है, जर्जर स्थिति है आरा की, खासकर टाउन में भी स्थिति खराब है, बरसात आता नहीं है, रोड पे पानी है कि पानी में रोड है पता ही नहीं चलता है, मतलब नाले में रोड है कि रोड पे नाला है समझ ही में नहीं आता। दूसरी तरफ लाइट की स्थिति, गर्मी में भयंकर गर्मी, और लाइट जो है 6-6 घंटा 8-8 घंटा मोटर में पानी नहीं रह रहा है, गर्मी में पसीना बह रहा है, तो आरा की स्थिति इतनी नरकीय क्यों हो रही है? और सुधार कीजिएगा, आप पे जनता भरोसा करे। भरोसा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो लोग दिन में तारा देख रहे हैं तो वो लोग रात में भी तारा देखेगा ना, तो देखने दीजिए, देखने दीजिए मतलब। हाँ देखे लोग, आरके सिंह से बढ़िया नु सुगर प्रत्याशी लोग जिताए हैं, दिल्ली गए हैं, बटाईदारी के सवाल पर बोलते हैं, आरा में रोड खराब है इस पर बोले हैं, नगर निगम में पैसे का अभाव नहीं है, पैसे हैं लेकिन क्या हो रहा है, इस पर न बोलना चाहिए। तो ये कह रहे कि बटाईदारी पर लड़ेंगे। सारा इंडिया का मुद्दा उठाया है जो कि गरीबों का पैसा फंसा हुआ था, सारा इंडिया के कहिए, मैं अमित शाह ने भाषण दे दिया कि सबको पैसा मिलेगा, इस सहारा में सहारा इंडिया के सवाल उठाने गए हैं कि यहाँ के नरकीय स्थिति को सुधारने के लिए गए हैं, यही तो सुधारे। अरे देखिए ये सब लोग गए हैं अपना, दिल्ली घूमेगा लोग, बोलेगा लोग, कुछ नहीं होगा, सब काम करना होगा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को, ये लोग से कोई काम नहीं होगा, ये लोग काम करने वाले नहीं हैं, ये लोग को हुकूमत 15 साल हम लोगों ने देखा है, विकास के लोग दुश्मन है, जिस तरह से लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है ना,
इंडिया गठबंधन के लोग लाल कपड़ा देकर भड़कते हैं और विकास सुनकर के भड़कते हैं। अब तो विधानसभा का सीट जो है वो खाली हो गया जगदीशपुर आपके विधान परिषद बनने से, तो अब कौन लड़ेगा? कुछ कोई लड़ेगा फिर? खाली कहाँ हुआ? 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है, 25 तक नाम है। अच्छा ठीक, खाली है और सब देखते रहिए ये क्या कर रहा है लोग यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर क्या कर रहे हैं लोग। पैसा तो जाता है नगर निगम, स्वतंत्र इकाई है, आप भी जांच बैठा सकते हैं। आप तो एमएलसी बन गए, करेंगे यार, हम तो जमे जमे दो तीन दिन होबे किया है, माने छोड़िएगा नहीं। अब छोड़ेंगे कैसे? नगर निगम में चोरी करेंगे, छोड़ेंगे? चोर पकड़ने वाला सबसे बड़ा इंस्पेक्टर हम ही है। नगर निगम में भी पकड़िएगा चोर? आपका पकड़ेंगे, कितना अफसर जाएंगे, कितना अफसर भीतर जाएंगे, कितना अफसर बाहर जाएंगे, देखिए ना। अभी खेला चालू हुआ है, 22 के बाद 26 तक हाउस चल रहा, एक सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो ठीक है, थैंक यू सर सो मच। चलिए आपको भी। तो देखिए अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है और कह दिया है कि भाई भ्रष्ट जो अधिकारी हैं वो सतर्क हो जाए। भगवान सिंह कुशवाहा फिर से आ चुके हैं और इस बार भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। नरक निगम जो हुआ है ना उसको नगर निगम हम फिर से बनाएंगे। यानी कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा आरा के लिए आ चुके हैं, भोजपुर के लिए आ चुके हैं, पूरे बिहार के लिए आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जो है आने वाली राजनीति में किस तरीके से श्री भगवान सिंह कुशवाहा जनता के लिए आवाज उठाएंगे और जनता के लिए लड़ेंगे। रोड रिपेयर होगा कि नहीं होगा, लाइट बिजली आएगी कि नहीं आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं एक भारत। धन्यवाद।